हेलो किड्स, वेलकम टू टीटू लर्निंग। कैसे हैं आप सब? ग्रेट। मनी के लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि मनी क्यों एग्जिस्टेंस में आई और वो कैसे कैसे चेंज में आई। तो मनी हर एक कंट्री की अलग हो सकती है, जैसे कि इंडिया की करेंसी है रुपीज़, यूएस में यूज़ में आते हैं डॉलर्स, जापान में यूज़ में आते हैं येन, और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन करेंसी रुपीस के बारे में। तो इंडियन करेंसी रुपीस में दो टाइप से हम मनी को यूज़ में लेते हैं। एक टाइप होता है कॉइन्स और एक टाइप होता है नोट्स। हम इनके कॉम्बिनेशन से कुछ भी चीज़ हमें ख़रीदनी है तो उसका हम पेमेंट कर देते हैं। तो कॉइन्स होते हैं 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन एंड 10 रुपी कॉइन। तो सपोज़ आपको कुछ चीज़ ख़रीदनी है जो कि है 1 रुपी की, तो आप क्या करेंगे? आप 1 रुपी कॉइन देंगे शॉपकीपर को और वो चीज़ परचेज कर लेंगे, यानी कि ख़रीद लेंगे। अब सोचिए कि अगर आपको कोई चीज़ ऐसी ख़रीदनी है जो कि है 2 रुपीज़ की, तो आप चाहें तो आप दे सकते हैं 2 रुपी कॉइन। आपके पास अगर 2 रुपी का कॉइन है तो आप 2 रुपीज़ दे सकते हैं, और अगर आपके पास 1 रुपी के 2 कॉइन्स हैं तो वो भी आप दे सकते हैं, बिकॉज 1 + 1 = 2 होता है। इसी तरह 5 रुपी के कॉइन की जगह 2 रुपीज़ की 2 कॉइन एंड 1 रुपी का 1 कॉइन भी यूज़ में ले सकते हैं, या फिर 2 रुपीज़ का 1 कॉइन एंड 1 रुपीज़ के 3 कॉइन, तो ये भी क्या बनाते हैं? 5 रुपीज़। इसी तरह से 1 रुपी के 5 कॉइन भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हम 10 रुपी के कॉइन को भी इसी तरह डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि इसी तरह से कॉम्बिनेशन बना करके हम उनको पे कर सकते हैं 10 रुपीज़ के बदले में। ओके किड्स, अगर आपको एक बलून ख़रीदना है और उसकी प्राइस है 6 रुपीज़, तो आप मुझे बताइए कि ऐसे कौन से 3 कॉइन्स आप यूज़ करेंगे जो मिल करके 6 रुपीज़ बनाएंगे? यस, हम यूज़ कर सकते हैं 3 कॉइन्स ऑफ 2 रुपीज़, यानी कि 2 रुपीज़ के 3 कॉइन्स को जब मिलाते हैं तो वो बन जाता है 6 रुपीज़। अब हम बात करते हैं हमारी करेंसी के नोट्स की। सो किड्स, हम कॉइन्स से तो फैमिलियर हो ही चुके हैं, अब हम जानेंगे नोट्स के बारे में जो कि हमारी करेंसी यानी कि इंडियन करेंसी में यूज़ में होते हैं। सो किड्स, पहले के टाइम में 1 रुपी और 2 रुपी के भी नोट हुआ करते थे जो कि अब यूज़ में नहीं आते हैं। प्रेजेंट टाइम में इंडियन करेंसी में 5 रुपी का नोट यूज़ होता है, 10 रुपी, 20 रुपी, 50 रुपी और 100 रुपी का भी नोट यूज़ में आता है, और ऐसे ही 500 का भी नोट होता है और 2000 रुपीज़ का भी नोट होता है, जो कि हम कुछ भी चीज़ परचेज़ करने के लिए यूज़ में लेते हैं। तो किड्स, जो हमने अभी मनी के बारे में बात की यानी कि कॉइन्स एंड नोट्स के बारे में बात की, ये होता है कैश अमाउंट यानी कि फिज़िकल अमाउंट, यानी कि जब भी हमें किसी को ये पे करना है तो ये हमारे हाथ में होनी चाहिए। बट आजकल डिजिटल मनी भी यूज़ में आती है, जैसे कि आपने देखा होगा आपके पेरेंट्स ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, आपको कुछ चीज़ ऑनलाइन मंगवानी है तो आप जब कुरियर मैन आपके घर पे वो चीज़ डिलीवर करने आता है तो आप उसको फिज़िकल मनी यानी कि कैश मनी भी दे सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन अपने फ़ोन से भी उसको पे कर सकते हैं। तो जो ये फ़ोन के थ्रू पेमेंट होते हैं ये कहलाते हैं डिजिटल पेमेंट्स। उसके लिए आपको अपने पर्स में से या अपने पास से वो मनी नहीं देनी होती है, वो सीधे आपके
डिजिटल अकाउंट से पे हो जाती है। तो एक मनी होती है फिजिकल मनी, जो कि हमने बताया कॉइन्स और नोट्स होते हैं, और एक मनी होती है वो होती है डिजिटल मनी। तो आज हमने इंडियन करेंसी रुपीज़ के बारे में बहुत कुछ जाना, हम कैसे पेमेंट कर सकते हैं, कौन कौन से नोट्स होते हैं, कौन कौन से कॉइन्स होते हैं, और साथ ही ये देखा कि जो हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं वो होते हैं डिजिटल पेमेंट्स। तो इसके बारे में आप अपने मम्मा पापा से और क्वेश्चन कर सकते हैं, हमसे भी कर सकते हैं, और इसके बारे में आप सोचते रहिए, तभी आप इसको और अच्छे से समझेंगे। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।